फाइनली गाइस फ्लिपकार्ट की सेल यहाँ पर लाइव हो चुकी है और मैं भी यहाँ पर आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 को परचेस कर चुका हूँ। किस डील पर परचेस किया है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने चेक ना की हो उसको जरूर चेक करिएगा, जहाँ पर मैंने आईफोन 12 मिनी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया और कि आपके लिए आईफोन 11 परचेस करना चाहिए या 12 मिनी, तो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं, इसी फ्लिपकार्ट के सेल के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं तो आपके सामने भी ये डील्स आ चुकी होंगी। हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। गाइस, यहाँ पर मैं मेनली डिस्कस करता हूँ मैंने जो स्मार्टफोन्स परचेस किए हैं, तो यहाँ पर दो स्मार्टफोन मैंने पर्सनली ऑर्डर किए हैं, इसके साथ दो से तीन स्मार्टफोन मेरे फ्रेंड्स ने भी ऑर्डर किए हैं मेरे रिकमेंडेशन पर। तो उस बेसिस पर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पर्सनली खुद के लिए आईफोन 12 मिनी परचेस किया, मेरे एक रिलेटिव हैं उनके लिए आईफोन 12 परचेस किया। जो भी डील्स मैंने यहां पर ग्रैब किए हैं उनकी वीडियोस और अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपके लिए जल्दी जल्दी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जल्दी से आप रेड बटन को हिट कर दें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन भी पता चल जाए। इसी के साथ यहां पर मैं डिस्कस करता हूं इसी फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में, जो कि लाइव हो चुकी है फ्लिपकार्ट के प्लस कस्टमर्स के लिए। तो यहां पर मेनली 3 आईफोन्स पर डील देखने को मिलेगी, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 एंड आईफोन एसी 2020। इसके अलावा यहां पर जो आईफोन 11 की डील है वो आपके लिए अमेज़न पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा आईफोन 12 मिनी है उसमें जो 64GB वेरिएंट है उसमें कार्ड ऑफर लगाने के बाद आपके लिए प्राइस देखने को मिलेगी 35,000 रुपीज। 128GB वाला मॉडल आपके लिए 40,000 में और 256GB वाला मॉडल आपके लिए 50,000 में देखने को मिल जाएगा कार्ड ऑफर लगाने के बाद में। इसी के साथ आईफोन 12 की बात करता हूं तो 47,000 रुपीज में 64GB वेरिएंट, 52,000 रुपीज में 128GB वेरिएंट और यहां पर 62,000 रुपीज में आपके लिए 256GB वेरिएंट देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं आईफोन एसी 2020 के बारे में, तो उसकी डील यहां पर 32GB वेरिएंट की 25,500 रुपीज के अप्रोक्स देखने को मिलेगी। इसी के साथ यहां पर जो 128GB वेरिएंट है उसकी प्राइस आपके लिए 30,500 रुपीज के अप्रोक्स देखने को मिलेगी, जिसमें यहां पर आपके लिए कार्ड ऑफर लगाना होगा, जिस पर अगर मैं डिस्कस करता हूं तो यहां पर ICICI के कार्ड और एक्सिस बैंक के जो कार्ड हैं उन पर ऑफर्स देखने को मिलेंगे। डिटेल में डिस्कस करता हूं तो 1,000 रुपीज का ऑफ देखने को मिलता है ICICI और एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड पर, और यहां पर 1,500 का मेंशन किया गया है ICICI और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। बट एक्चुअल में जब मैंने यहां पर प्रोडक्ट को परचेस किया और उसके बाद जब हम उसको चेकआउट करते हैं तो ICICI के कार्ड पर मुझे 3,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिला। तो दैट मीन्स अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपके लिए मैक्स डिस्काउंट 1,000 रुपीज देखने को मिलेगा आईफोन्स पर, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 3,000 तक का ऑफर्स आपके लिए देखने को मिल जाएगा डील पर। इसी के साथ अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक वाला जो कार्ड है वो है तो वहां पर आपके लिए 4,000 रुपीज तक का यहां पर डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ यहां पर अगर मैं डिस्कस करता हूं फाइनली कि कौन सी डील यहां पर वर्थ है फ्लिपकार्ट की सेल में, तो मेरे हिसाब से जो आईफोन 12 मिनी है उसी की जो डील है वो सबसे ज्यादा वर्थ है। बिकॉज ऑफ अगर हम डिस्कस करते हैं आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 की प्राइस की, तो इन दोनों के बीच में करीब 10,000 का डिफरेंस देखने को मिला था हमारे लिए आज तक, बट इस सेल पर आपके लिए अप टू 12,000 के अप्रोक्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। दैट मीन्स जिस प्राइस पर आईफोन 12 मिल रहा है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर प्राइस पर आपके लिए आईफोन 12 मिनी देखने को मिल रहा है। और लास्ट नाइट यही डील यहाँ पर 1,000 रुपये और कम देखने को मिली थी, तब मैं सो चुका था, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया, सुबह जैसे ही मैं उठा तब जाके मैंने इसी प्राइस पर ये दोनों ही स्मार्टफोन को परचेस किया। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ आईफोन 12 एंड 12 मिनी की, तो यहाँ पर ये जो प्राइस आपको देखने को मिले सेल पर, इससे पहले कभी भी इस प्राइस पर स्मार्टफोन्स देखने को नहीं मिले, ये ऑल टाइम का लोएस्ट प्राइस है। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ आईफोन एसी 2020 के बारे में, तो वहां पर उसके साथ ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि इसकी प्राइस आपके लिए मिनिमम इस सेल पर 25,500 रुपीज देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी लोएस्ट प्राइस नहीं है ऑल टाइम की, क्योंकि इससे ज्यादा ऑफर आपके लिए प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था जब हमने ये वाला बॉक्स परचेस किया था फ्लिपकार्ट की इसी बिग बिलियन डे सेल में। तो दैट मींस जो बेस्ट डील की बात करूं इस सेल पर तो वो है आईफोन 12 मिनी की। उसके बाद अगर आप परचेस करना चाहते हो एक बेटर बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन या लार्जर डिस्प्ले वाला, तो उस हिसाब से आप यहां पर आईफोन 12 को भी ग्रैब कर सकते हो। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक प्रोडक्ट रेड कलर में आईफोन 12 मिनी, व्हाइट एंड ग्रीन कलर में आईफोन 12, इसी के साथ एक दो स्मार्टफोन्स और परचेस किए इसी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में, जो कि फर्स्ट डे ही। इसी के अलावा
अलावा यहाँ पर एंड में मैं डिस्कस कर लेता हूँ आईफोन 11 के बारे में, क्योंकि अमेजोन पर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिवाइस देखने को मिला है आईफोन्स में, वो है आईफोन 11, जिसकी प्राइस यहाँ पर आती है 38,999, जिस पर जो ये डील है वो भी आप अभी एक्सेस कर सकते हो अगर आप एक प्राइम कस्टमर हो, अदरवाइज आपके लिए ये जो डील है वो आपके लिए कल देखने को मिलेगी। इसके साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ आईफोन 11 पर आपके लिए कोई भी कार्ड ऑफर देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल आईफोन 11 के हिसाब से प्राइस बेटर है 38,999, बट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आईफोन 12 मिनी से, तो मैं हमेशा की तरह इस बार भी यही कहूंगा कि आईफोन 12 मिनी बहुत बहुत ज्यादा वर्थ है आईफोन 11 के कंपैरिजन में। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, वहां पर मैंने कंपेयर किया था इन दोनों ही स्मार्टफोन को शॉर्ट में। तो ओवरऑल अगर आप बैटरी एंड डिस्प्ले के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो मैं आईफोन 11 की जगह आईफोन 12 मिनी को सजेस्ट करूंगा, तो आप उसी को परचेस करें जैसा कि मैंने भी परचेस किया। और यहां पर मैं फोकस कर रहा था आईफोन 13 सीरीज को, बट जब मैंने देखा कि यहां पर अप्रोक्स 80% फीचर्स आईफोन 13 के कंपैरिजन में मुझे हाफ प्राइस पर देखने को मिल रहे हैं, तो उस वजह से मैंने आईफोन 12 मिनी को परचेस किया। फाइनलाइज मैं कंक्लूड करता हूं इसी वीडियो को, तो 3 स्मार्टफोन्स की सेल आपके लिए फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलती है और 1 स्मार्टफोन की सेल आपके लिए अमेजोन पर देखने को मिलती है। आईफोन 11 मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं है आईफोन 12 मिनी के कंपैरिजन में। आईफोन एसई 2020 का हो सकता है कि यहां पर दीपावली के पहले एक और सेल देखने को मिलती है अगर, तो वहां पर और अच्छा प्राइस आ सकता है, क्योंकि जो आईफोन एसई 2020 का प्राइस है वो यहां पर बिल्कुल भी लोएस्ट नहीं है, जितना सेल पर हमने एक्सपेक्ट किया था उस बेसिस पर नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि आगे आपके लिए और डिस्काउंट देखने को मिले, और ओवरऑल जो भी अपकमिंग डेज में डिस्काउंट्स आते हैं, जो भी सेल्स आते हैं, वो मैं आपके लिए यहां पर नोटिफाई कर दूंगा। इसी के साथ स्मार्टफोन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास ये आईफोन 7 है, इसके साथ आईफोन 10 है और आईफोन एसई 2020, ये मैं रीसेल करने की सोच रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगर आप कोई भी आईफोन को परचेस करते हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए कौन सी वाली डील ज्यादा बेहतर हो, आप कौन सी डील को यहां पर ग्रैब कर रहे हो। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में।